प्रणाम, मैं हूं प्रदीप और स्वागत करता हूं मेरे और आपके चैनल प्रदीप कुमार फाइक द म्यूजिक पर, जहां पर मिलता है म्यूजिक रिलेटेड कई सारी लर्निंग वीडियो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। हां दोस्तों, अगर आप म्यूजिक में रुचि रखते हैं, म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं, संगीत सीखना चाहते हैं, वंशी वादन सीखा करना चाहते हैं, कीबोर्ड बजाना सीखना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और साइड में है बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। हां दोस्तों, इस वीडियो के थंबनेल देख के आप जान गए होंगे कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है राग शिवरंजनी के ऊपर ट्यूटोरियल क्लास। आज के क्लास में हम जानेंगे राग शिवरंजनी के बारे में, आरोह अवरोह पकड़, राग शिवरंजनी के बंदिश की ट्यूटोरियल। आइए दोस्तों, समय वेस्ट ना करते हुए आज की मेन टॉपिक के ऊपर चलते हैं, राग शिवरंजनी के बंदिश के ऊपर ट्यूटोरियल क्लास। दोस्तों, इससे पहले मैं और एक ट्यूटोरियल क्लास दिया था राग शिवरंजनी के धुन के ऊपर, अगर उसको चाहिए मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूं, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। आइए जानते हैं राग शिवरंजनी। दोस्तों, किसी भी राग, किसी भी सरगम गीत, किसी भी बंदिश को जानने से पहले हमें पहला जानना पड़ेगा इसकी राग की आरोह क्या है, अवरोह क्या है, बादी क्या है, संबादी क्या है, पकड़ क्या है, ये सब बेसिक चीजें हमें जानना चाहिए। ठीक उसी तरह आइए जानते हैं राग शिवरंजनी की आरोह अवरोह क्या है। राग शिवरंजनी की आरोह और अवरोह है दोस्तों, इसकी आरोह है सा रे गा, ये जो गा है कोमल गा बज रहा है सा रे गा, और दोस्तों इसमें मां और मी स्वर वर्जित है, इसलिए हम मां को नहीं यूज करेंगे, सा रे गा मां को यूज नहीं करेंगे, पा धा मी को भी यूज नहीं करेंगे। अवरोह में भी मां और मी वर्जित है, सा धा पा गा रे सा। दोस्तों, जैसे कि राग भोपाली में हम सारे गापा धासा लेते हैं, अवरोह में भी सारे गापा धासा, आरोह में भी सारे गापा धासा, लेकिन राग शिवरंजनी में हम कोमल गा की प्रयोग करेंगे, सा रे गा पा धा सा सा धा पा, ये अवरोह है सा धा पा गा रे सा। दोस्तों, आप जान गए हैं आरोह और अवरोह। जैसे कि राग शिवरंजनी की वादी स्वर है पा और संवादी स्वर है सा, सड़ज। वादी स्वर मतलब इस राग में ज्यादातर हमें पा की स्वर पर ठहराव रखेंगे और उसके बाद संवादी स्वर जैसे कि सा सड़ज पर हम इसका ठहराव रखेंगे। इसका गायन या वादन समय है मध्य रात्र। अभी जो बंदिश आपको बजा के दिखाया वो है राग शिवरंजनी की बंदिश, आइए हम उसे देखते हैं। दोस्तों, इस बंदिश की ट्यूटोरियल नोटेशन इस डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है, आप उसे अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, जैसे कि नोटेशन में दिखाई दे रहा है, इस राग का पहला स्वर 12वीं मात्रा से आरंभ हो रहा है। ये जो ताल बज रहा है, ये तीन ताल बज रहा है, इस ताल का बोल है
धा धिन धिन धा धिन धिन धा तिन तिन ता तट धिन धिन धा। इसका हम अगर काउंट में गिनती करेंगे तो ऐसा होगा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। दोस्तों ये राग स्टार्ट हो रहा है बारहवीं मात्रा से, बारहवीं मात्रा से देखिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह नौ मात्रा से हम स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? साधारण ऐसे हम इस मात्रा के ताल को वेट करेंगे। धा दिन दिन दा धा दिन दिन सा धा पा गा धा पा गा रे सा धा रे सा धा पा गा धा पा गा रे सा धा रे सा। दोस्तों पहले इसको आप याद कर लीजिए और ठीक बारहवीं मात्रा से आप इसको काउंट करके बजाइए। कैसे काउंट करते हैं आपको बताता हूं। देखिए देखिए, ये नंबर वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, यही से हमें स्टार्ट करना है। थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन सा धा पा गा धा पा गा रे सा धा रे सा सा धा पा गा धा पा गा रे सा धा रे सा। फिर वही बारहवीं मात्रा से फिर सा आ जाएगा। दोस्तों मैं जो बोल रहा हूं समझने की कोशिश कीजिए, ये बारह नंबर मात्रा से आरंभ होता है। सा धा पा गा धा पा गा रे सा धा रे सा सा धा पा गा धा पा गा रे सा धा रे सा सा रे गा पा धा सा रे गा रे सा धा पा रे गा पा धा सा सा धा पा गा धा पा गा रे सा धा रे सा सा धा पा गा धा पा गा रे सा धा रे सा। दोस्तों दोस्तों जैसे कि हम फ्लूट में इसका ट्यूटोरियल क्लास करेंगे, इसको हम कैसे बजाएंगे आपको बता रहा हूं। धा तीन तीन कोमल गा कैसे बजाते हैं आपको बताया हूं पहले से। गा सा धा पा गा धा पा गा रे सा। गा कैसे बजाएंगे? सा को कर्ण स्वर लेते हुए गा को बजाएंगे। दोस्तों ये जो क्लासिकल म्यूजिक होता है ये टोटली एक गणित होता है, मैथमेटिक्स होता है। हर जिस मात्रा में स्टार्ट करेंगे जो बंदिश में लिखा रहता है उसी के हिसाब से हमें बजाना पड़ेगा या गाना पड़ेगा। धा तीन तीन इसका पहला स्थाई तो आप जान गए, इसका स्थाई है धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन सारे गा पा धा सारे, ये ठीक है। एक मात्रा में एक स्वर लग रहे हैं लेकिन जब
ये अस्थाई में जो सारे गा पा गा पा धा सारे गारे सा धा रे सा धा पा रे गा पा धा सा, एक मात्रा में दो दो स्वर की प्रयोग हो रहे हैं। सारे गा गारे सा धा रे सा धा पा रे गा पा धा सा, इसे हम ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। देखिए दोस्तों, ये बिगनर लेवल से थोड़ी ऊपर क्लास की ट्यूटोरियल क्लास है। बिगनर लेवल में हम क्या करते हैं, ठीक नौवीं मात्रा से ये बंदी स्टार्ट होता है, लेकिन थोड़े से जब एडवांस लेवल हो जाते हैं तो हमें ये बारह मात्रा से जो आरंभ होता है स्वर का, इसलिए इसी क्लास का दे रहा हूँ। हमें उन्नति तो करना चाहिए फ्लूट में, इसलिए ये थोड़ा हार्डली दे रहा हूँ बंदी। आइए दोस्तों, अब देखते हैं इस राग की अंतरा। धा पा धा धा सा सा धा सा गा रे सा धा सा पा गा पा धा धा सा धा सा गा रे सा धा सा। दोस्तों जैसे कि स्थाई में बारहवीं मात्रा से स्वर स्टार्ट होता था, ठीक उसी तरह अंतरा में भी बारह नंबर मात्रा से भी हम ये स्टार्ट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पा गा पा धा धा सा सा धा सा गा रे सा धा सा पा गा पा धा धा सा सा धा सा गा रे सा धा सा पा गा पा धा धा सा सा धा सा गा रे सा धा सा। ये अंतरा की पहला लाइन हो गया। अब दूसरा लाइन देखते हैं। दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दोस्तों अंतरा की दूसरी लाइन में भी पा गा रे सा रे सा धा पा, ठीक बारह मात्रा से हो रहा है। इसे अब अपने बारह नंबर मात्रा से ये स्टार्ट होगा अंतरा का दूसरा लाइन भी, और सा पा गा रे सारे साधा पा करे साधा रे साधा पा, एक एक बीट में दो दो स्वर बज रहे हैं। दोस्तों ये था राग शिवरंजनी के बंदिश ऊपर एक छोटा सा ट्यूटोरियल क्लास। आशा करता हूँ आप, मैं जो बताने की कोशिश किया आप समझ रहे हैं। हाँ दोस्तों, अगर कोई डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट के माध्यम से बोलिएगा, मैं उसका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा।